ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। दोस्तों मैं वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। हम आपको रोज़ अपने यहाँ कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी हो और हमारे द्वारा बताए गए उपाय करने से आपको आपके कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, हम भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आप अपने तिजोरी में या फिर पर्स में रख लें, यहाँ वहाँ रख लें, जहाँ भी अपना धन और कीमती सामान रखते हैं, तो विश्वास मानिए आपके धन में वृद्धि होगी, बरकत होगी और वह ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिनको भी इस उपायों की ज़रूरत है वह भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों हम आपको जिस चमत्कारिक पौधे के बारे में बताने वाले हैं उसे सफ़ेद आग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इसका नाम सुना ही होगा। दोस्तों आप इसका फल ले आएँ, लेकिन ध्यान रखें उसी पेड़ का लाएं जो कि 11 वर्ष पुराना हो। ये मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं और इसी से यह कार्य हो सकता है। इसे गणेश जी का पौधा भी कहते हैं क्योंकि माना जाता है जो आग का पौधा 11 वर्ष पुराना हो जाता है उसके बाद उसकी शेप जो है यानी कि आकार गणेश जी की सूंड की तरह हो जाता है। आप इसके फल को ले आएँ। दोस्तों इसका जो फल होता है वह रोएदार होता है और उसमें बीजें भी होती हैं क्योंकि ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो आप इसके रोए की बत्ती बनाकर दीपक जलाएं हर रोज़ गणेश जी को और फिर आप देखेंगे गणेश जी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और आप पे धन की बरसात कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप इसके जो बीज होते हैं उन्हें निकालकर अपनी तिजोरी में या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और साथ ही साथ बरकत होगी। कहने का मतलब, अभी तक अगर आपका धन अच्छा कमाने के बाद भी आसानी से ख़त्म हो जाता रहा तो वह ख़त्म नहीं होगा और जिस घर में गणेश जी आके विराजमान हो जाते हैं वह घर का सौभाग्य ही खुल जाता है। आप इससे एक उपाय और कर सकते हैं, आप इसके फलों की माला बनाएं 11 फलों की कम से कम और बीच बीच में सफ़ेद आग के फूल डाल दें और उसके बाद गणेश जी को पहना दें और जो भी आपकी इच्छा है, धन से अलग भी अगर कोई इच्छा है तो वह भी आप मांग सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों लेकिन याद रखिएगा, हमारे बताए हुए उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं होती। आप अपने कर्म करते रहिए, कर्मवीर बनिए और ध्यान रखिए अच्छे कर्मों में, अच्छे चीज़ों में हमेशा समय लगता है, इसलिए कर्म करिए और भगवान माता रानी पे भरोसा बनाए रखिए क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप देखेंगे आपको आपकी जो भी आपको फल चाहिए वह सब प्राप्त होगा। दोस्तों सिर्फ भगवान माता रानी पे विश्वास बनाए रखिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यह उपाय एक बार करके ज़रूर देखें, आपको इसका फल खुद ही पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।